लोकसभा चुनाव 2024 से पहले उत्तर प्रदेश की प्रमुख विपक्षी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच की दरार खुलकर सामने आने लगी है और साफ हो गया है कि विपक्षी इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कांग्रेस द्वारा की गई जातीय गणना की मांग के बीच एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सवाल उठाया कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली पिछली सरकारों ने सत्ता में रहते हुए जातीय गणना क्यों नहीं की। अखिलेश यादव के इस बयान के बाद विपक्षी मोर्चे में शामिल दोनों पार्टियों के बीच मतभेद खुलकर सामने आ गए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कभी भी आज तक अखिलेश यादव या मायावती के खिलाफ ऐसी बयानबाजी नहीं की जिसकी वजह से उन्हें बाद में खेद जताना पड़े या शर्मिंदा होना पड़े। लेकिन समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव कांग्रेस और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लगातार निशाना बना रहे हैं। ये बात एक आध बार तो चलती है लेकिन अखिलेश रणनीतिक रूप से इस काम को अंजाम दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने पहुंची सपा वहां सत्तारूढ़ को निशाना बनाने की बजाय राहुल और कांग्रेस को निशाना बना रही है। अखिलेश के ये सारे बयान राहुल के जाति जनगणना वाला मुद्दा उठाने की बात दे रहे हैं। राहुल अपने बयान में पीएम मोदी पर इसके लिए निशाना साध रहे हैं लेकिन अखिलेश का निशाना राहुल पर है। 5% लोगों पर 60% वेल्थ भारत की उनके हाथ में चली गई। कोई कल्पना कर सकता है कि भारत इतना बड़ा देश 140 करोड़ आबादी का देश और 5% लोगों पर पूरी की पूरी धन दौलत हो देश की, तो ये किसने किया? ये पुरानी सरकारें जो थी उनकी गलत नीतियों के कारण थी। एक कहावत है कि सियासत में कोई किसी का दोस्त नहीं होता है। 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी का रथ रोकने के लिए राहुल और अखिलेश ने हाथ मिलाया। सियासी गलियारे में दो लड़कों की जोड़ी का नारा भी खूब बुलंद हुआ। हालांकि दो लड़कों की जोड़ी ने कोई कमाल नहीं दिखाया, फिर राहुल और अखिलेश की राहें जुदा हो गई। 2024 से पहले एक बार फिर से इंडिया गठबंधन में राहुल और अखिलेश साथ साथ दिखे लेकिन अपने अपने सियासी फायदे के लिए अब दोनों फिर से आमने सामने हैं। 2024 से पहले वोट की सियासत ने 2017 की दोस्ती को अब दुश्मनी में बदल दिया है। राहुल गांधी अखिलेश के निशाने पर हैं। जातीय जनगणना का राग अलाप रही कांग्रेस को अखिलेश यादव ने आईना दिखाया, उसे इतिहास याद दिलाया, कहा कि आजादी के बाद कांग्रेस ने ही देश में जाति जनगणना बंद कराई थी। मुझे उम्मीद है कि जब कभी भी समाजवादियों को मौका मिलेगा सबसे पहले जाति गणना कराई जाएगी। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने आजादी के बाद जाति गणना नहीं कराई। लोकसभा में नेताजी शरद यादव जी, लालू प्रसाद यादव जी, तमाम दक्षिण भारत के दल जब मांग कर रहे थे जाति गणना की तो कांग्रेस पार्टी ने जाति गणना नहीं कराई। आज क्यों जाति गणना कराना चाहते हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि उनका ट्रेडिशनल वोट उनके पास नहीं है। वो पिछड़े दलित और आदिवासियों की तरफ देख रहे हैं। पिछड़े दलित आदिवासी भी जानते हैं कि आजादी के बाद धोखा उन्होंने दिया। दरअसल बीते सोमवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश की चुनावी रैली में जाति जनगणना कराने की मांग की। जाति जनगणना को एक्सरे की तरह बताया था। मैं आपको यहां गारंटी देना चाहता हूं कि जैसे ही हमारी सरकार दिल्ली में आएगी नेशनल लेवल का जाति जनगणना हम करके दे देंगे और मध्य प्रदेश में जैसे ही सरकार आएगी जाति जनगणना का काम हम मध्य प्रदेश में शुरू कर देंगे। सबको मालूम होना चाहिए कि उनकी आबादी कितनी है और बजट पर सरकार पर उनका कितना हक बनता है, उनकी कितनी भागीदारी होनी चाहिए। यूपी समेत हिंदी पट्टी में बड़ी जीत का फॉर्मूला सभी दलों को मिल गया है। जो दल ओबीसी वोट बैंक के साथ दो बड़ी जातियों का वोट हासिल करेगी उसे ही ज्यादा सीटें मिलेंगी। बीजेपी ओबीसी जातियों को गोलबंद करने के लिए पिछड़ा महाकुंभ का आयोजन करने वाली है जिसमें गैर यादव ओबीसी जातियों राजभर, कुर्मी, पटेल, लोधी और मौर्य को साधने की प्लानिंग है। कांग्रेस और राहुल गांधी भी ओबीसी वोटर्स को अपने पाले में करने के लिए जातीय जनगणना का दांव चल रहे हैं। सवाल ये है कि अगर कांग्रेस ओबीसी जातियों में पैठ बनाती है तो नुकसान किसका होगा? और इस सवाल का जवाब है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के ओबीसी प्रेम से सबसे ज्यादा नुकसान समाजवादी पार्टी को होगा और यही कारण है कि अखिलेश के निशाने पर कांग्रेस और राहुल गांधी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।